तो भी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिकेट खेल रही, जैसे नजर नहीं आ रहा, बैठी हूँ। भाई नीचे क्यामत आई है घर में। अब मैंने क्या कर दिया कि क्यामत आ गई, घर पे बैठी हूँ। दानियाल, तो क्या फोन पे बात किए जा रहे हो? जाओ जाके उस लड़के का पता करो। एक सेकंड, वही कर रहा हूँ। बेगम साहबा, जो भी है बेटी। बस कर दे बाबा, मर गई वो हमारे लिए। कहाँ गई थी तुम? कहाँ जाना था मैंने? यही थी। आपकी बेगम ने माशाल्लाह से इतने सही तरीके से दरवाजा बंद किया था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। शर्म करो जूबी, और खबरदार आइंदा ऐसी कोई फजूल बात की। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बेगम साहबा, इतनी सख्ती ना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हम जुल्म कर रहे हैं उस पर? इतनी प्यार से मोहब्बत से समझा कर देख चुके हैं ना उसे, क्या फ़ायदा हो? इस पे किसी ने जादू कर दिया है या कुछ साया पड़ गया इसके ऊपर, वरना हमारी बिटिया ऐसी तो नहीं थी। मैं आज अपने पीर साहब के पास जाऊँगा, अल्लाह करेगा अच्छी हो जाएगी। जी ठीक है, आप काम करें अपना। ये जो सोच रहा है ना, इसे सोचने दो। अब इससे क्या कहें, जब इश्क कबूतर सर पर सवार होता है ना, तो कोई तावीज काम नहीं करता। इज्जत गैरत के फलसफे सिर्फ माँ बाप के लिए रह जाते हैं, इनके लिए तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश अहम होती है। जसमीना, तुम खुद को संभालो और शुक्र करो कि कुछ बुरा नहीं हुआ। और मेरी बात गौर से सुनो।